बड़ी तगड़ी सुलेमा के गीत बचौला जितेंद्र बाबू। हम भूल गए हरी बात, हम भूल गए हरी बात, मगर तेरा प्यारी ना भूले। हम भूल गए क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार ना भूले। हम भूल गए हर बार मगर तेरा, जय हो हर बात मगर तेरा। अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में जा रही है। वीरांगना फूलन देवी का जीवन परिचय मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं कि नारी सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की पहली महिला का नाम उस इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि जुर्म करने वालों के साथ मुंह तोड़ जवाब एक महिला भी दे सकती है। महिलाओं को कमजोर समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश में नारियों को समानता में रखा। अगर पुरुष एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख है तो वहां नारी भी प्रधान प्रमुख बन सकती है, लेकिन भारत का कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर अन्याय के खिलाफ भी आप लड़ गए तो कुछ कौम यहां ऐसी है कि लोगों को डाकू और गुंडा साबित करती है। तो चलते हैं, चूंकि फूलन देवी एक ऐसा नाम है कि भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, लेकिन एक कहानी पुनः आपके बीच में लाने का मकसद मेरा क्या है। चार लाइन बिरहा में भूमिका है। मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से बिरहा जा रही है आपके बीच में। ध्यान दीजिएगा, बिरहा को सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय भी हमें दीजिएगा। कहाँ गलत है, क्या है? शर्मयाती नहीं कहते आ जाते हैं, सिर्फ कहने को हमको मिली आजादी। जैसे पहले थे हम वैसे भी आज हैं। मेरा दुर्भाग्य है जालिमों ने सजा दी, बिरहा की भूमिका ने ये संदेश दिया कि हम भारत के आजाद लोग हैं। जो भारत के मूल निवासी, मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं। जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तो हम गुलामों के गुलाम थे, ब्रिटिश चले गए, यहाँ कुछ लोग आजाद हो गए, लेकिन हम भी आज मानसिक रूप से गुलाम हैं। फिर लाइन हमारी भूमिका की कह रही है, चाट गोरों के तलवे लूटे देश को,
धन के धनवान ये मजनू को सताते, राम निवास अभियान इसमें भरा, खौफ खाते नहीं धौंस अपना जमाते। राम निवास अभिमान इसमें भरा, खौफ खाते नहीं धौंस अपना जमाते। हम भारत के मेहनत कश लोग हैं, हम कमाते भी हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लेकिन कमाने वाला खिलाने वाला नीच बना दिया गया और हराम की खाने वाला ऊंच बन के बैठा है। इस लाइन जाते ठेक कौवाली का टुकड़ा है ये मास्टर। है हो एक ठे लड़की रह, बड़ी चटक के चले, बड़ी मटक के चले, आ बड़ी छटक के चले। तो एक ठे पुरनिया रहल, उ कलतनी बच्ची संभर के, ए बदे कि मोहल्ला का हिसाब किताब सही ना हो, कहाँ समझावत हो। अरे लड़के हैं, अरे लड़के हैं मुहल्ले के शैतान मेरी लैला, टूटल फूटल कौवाली हो। हालांकि ये सब गावे के ढंग हमके हो नहीं, लेकिन टूटल फूटल गाय जली ये बदे लइकवा परेशान हो कि खाली घीवे परोसाला चटनी भी देवल कर, लेकिन गाने का ओरिजिनल भाव है। लिखते हैं हमारे कवि राम निवास जी, क्या कहते हैं, बेशर्म को ना शर्म कभी आ नहीं सकती, बेशर्म को ही शर्म कभी आ नहीं सकती, बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। क्यों? कि उन्हें दौलत का घमंड है। लेकिन लाइन जा रही है, दौलत का घमंड उनको कहां लेकर के जा रहा है। लाइन है,
शायर का लाइन है भैया, क्या है? जिला जालौन का हरपुरवा में एक बस्ती है, जिला जालौन का हरपुरवा में एक बस्ती है, किसी गरीब की मझधार फंसी कस्ती है। जिला जालौन में एक गांव है, गोराहा पुरवा में रहने वाले गरीब देवी दीन मल्ला, चार बेटियां थी एक बेटा है, गरीबी में बसर कर रहे हैं। दयादों के द्वारा सारी जमीन छीन ली गई है। लाइन क्या कह रही है? गरीब देवी दीन, गरीब देवी दीन मल्ला हम वहीं रहते थे, पूरे परिवार साथ गुजर बसर करते थे। जब आया है हुई एक कन्या पैदा, घर में खुशी छाया है। देवी दीन मल्ला की बड़ी बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, जिस बेटी का नाम रखे, क्या रखे? नाम फूलन पड़ा ही 11 वर्ष पार हुआ, नाम फूलन पड़ा ही 11 वर्ष पार हुआ, उधर माँ बाप को चिंता मन में या पार हुआ। बेटी 11 साल की हो गई, बाबू देवी दीन मल्ला सोचने लगे कि अब बेटी की शादी कर देना जरूरी है, क्योंकि समाज में गरीबों के इज्जत और असमत की कोई कीमत नहीं है। एजन गीत एक ठे लगन का हो, कौनो मन से दू अपने दुल्हन के फोन कैला, गौना से लवट के नैहरे गईल हो, ना रह गया, उठौला मोबाइल, लगौला फोन, उ कहला हल्लो, कहला महरी न बहन कहत हो हल्लो, यार जिंदगी नरक भाई दे, कहला कैसन हो, उहे कहत हो, का कहला सुना सुना लागेला, सुना सुना लागेला, घरवा दुआरवा ए धनी तहिए से, लेकिन गीत का लाइन है का हो? अब हिंद फूलन के काचरे उमरिया सदिया रचाई गई,
दिया बचाई गई ने। ग्यारह साल की बिटिया है, गरीबी से तंग हो करके 45 साल के पुत्ती लाल मल्ला के साथ शादी कर दिए। कम से कम घर की मर्यादा हमारी सुरक्षित हो जाए। लेकिन ये पुत्ती लाल कितनी बड़ा दोगला था, शादी तो करके ले गया लेकिन फूलन के साथ वह व्यभिचार किया कि धरती पर अगर परमात्मा है, भगवान है, तो मैं कहना चाहता हूँ, बेटी अगर जिसे देते हो उसे धन भी दे दो, धनहीनों को बेटी देना बंद करो। क्योंकि अगर बेटी धनहीन की है तो ही स्थिति होगी जो फूलन की हुई है। तो लाइन कह रही है, उम्र 45 साल के उम्र रहली बड़ी, उम्र रहली बड़ी वह देखा सैतनवा। बैल बिया हो जाई बिटिया, दो तीन साल और बड़ी हो जाई तकर गौना दिहल जाई। लेकिन पुत्तीलाल बियाह के बाद जबरदस्ती फूलन को ले गया और ले जाकर करता है क्या, मिला कि जबरदस्ती पुत्तीलाल फूलन को रखा अपने ते अपने दो गलवा दू चाठे और बुलावे। उस बेटी के साथ इतना बेहविचार किया कि दर्द को सहते सहते फूलन परेशान है। यही जन गीत बदल सावनी गीत है भैया। आए सावन महीना में गीत का बड़ा डिमांड होला। यह हो का हो, परदेस गईल हमरो सवरिया लेकिन गाने का स्थाई भाव है, जब बिटिया दर्द सहते सहते परेशान हो गई तो एक दिन रात को निकल गई घर से और ससुराल से भाग करके उलन आती है अपने गांव में। माँ बाप के घर आई, आज जब घर आती है तो होता है क्या, फो
फूलन आई गइल नैहर नगरिया जब फूलन भाग करके आई तो देवी दीन मल्ला से पुतीलाल कहा कि तुम्हारी बेटी चोरी करके आई है और एक बात सुन लो थाने में FIR करो अपनी बेटी के खिलाफ अगर FIR नहीं किए तो निश्चित रूप से हम तुम्हें जीने नहीं देंगे डर गए पुतीलाल लेकिन आज वही एक बाप अपनी लाडली के लिए थाने में जाकर के तहदीर दे देता है क्या तहदीर दिया बाप देवी दिन कसाई दिया रपट लिखवाई तीन दिन वो गुजरिया नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस थाने का लेकिन उन वर्दीधारियों को बताना चाहता हूँ तीन दिनों गरीब की बेटी थाने में रही और तीन दिन उसके साथ रेप हुआ किसके द्वारा पुलिस वालों के द्वारा और तीन दिन के बाद जब फूलन थाने से बाहर आई चलान नहीं की गई है एक महिला को कम से कम 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है बाबा साहब अंबेडकर ने कौन सा दिमाग बना करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दिया लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के वर्दी पहनने वाले कुर्सी पर बैठने वाले उस संविधान की कितनी रक्षा कर रहे हैं मेरी लाइन इंगेज कर रही है बंद जेल बीच भैली गुजरिया अब बात चलो थी बात फैली तो कहिया एक प्रमाण तुम्हारे पास का हो और मुंह से कच्ची न निकलवा में तथा अब का कही ना लो उनके बतिये सुना लोग फूलन देवी को डाकू कहने वाले फूलन देवी को हत्यारा कहने वाले लोगों को मेरी चेतावनी है गीत बदलल मास्टर कवन गीत यो कौनो मन बढ़ लड़का कौनो लड़की के देख के कहल पनिया में हल्ला थू तो पनिया सिर गरम हो जाता उहे कहल का कहत हो अरे पनिया 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 में अगिया लगावल हो धन तुहरी जवनिया लेकिन गीत का प्रमाण बता रहा है तीन दिन थाने में फूलन थी और तीन दिन थाने में वो सुरक्षित जगह पर फूलन के साथ क्या होता है पुलिस प्रशासन भैल घटिया हो पुलिस प्रशासन भैल घटिया हो पापी लुटलाई जतिया
बाबूजी देवी दीन मल्ला के घरे उड़न देवी। 3 दिन बाद जब थाने से छुट्टी, शरीर में ज्वाला हो रही है, कैसे भारत की तहजीब है, और इस देश में आजाद भारत में गरीबों के सम्मान स्वाभिमान के साथ कौन सा खिलवाड़ हो रहा है, आज वो गरीब की बेटी सोच रही है। 3 दिन बाद आईने घर दर में नवा जीवन संघर्षों से भरा रहा। बाबूजी के घर आई, जमीन जायदाद तो चली गई थी दयात के द्वारा, लेकिन जैसे पता चला बगल में बेहमई गांव था, वहां 2 दबंग थे, लाला राम और श्री राम। जब उनको पता चला देवी दीन मल्लाह की बेटी फूलन ससुराल से आई, थाने में गई, थाने से मायके आई है, जबरदस्ती उस बिटिया को अगवा करवा लिए। जब अगवा करवा लेते हैं, किडनैप करवा लेते हैं, तो यहां विदेशिया का लाइन लगर का हो। बेहमाई के मिलके दबंगी लोगावा हो, हुरमत उतारे माई बाबू के सामाना। अरे फूलन गोहारी करे पपिन की अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बेशुमार उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन लाला राम और श्री राम दोनों ने मिलकर के उस गरीब की बेटी फूलन को करते हैं क्या? कुछ लोग मिली अपहरण करवाई दी हला। भाग चली फूलन चंबल की बीहड़ों में और जाकर के गुजर की गैंग में भर्ती हो गई। आज जब गुजर की गैंग में भर्ती हुई तब बिरहा में तेरी शैली का भाव लगल भैया। अरे ठननवा
थानी सिरनी ज्वाला उठी बदन में अंगर भय नयनवा जो अब ठान लिया कि मरूंगी नहीं असमत का बदला लूंगी। यही जन एक थे गीत लगा का भैया फूलन कैलस का यही जो लाइन है लग जाए अरे चंबल के पीहर में कैली सेरनिया अरे टाकुल से कैली की कारिया हो बांधी सीरावा पर पगरिया सरदार गुजर का बिगड़ल नियतिया अरे फूलन का लूटल चाहे लाई जतिया डाकू गुजर की नियत गलत हो गई फूलन के असमत के साथ खेलने का प्रयास किया डाकू गुजर सिंह के साथ विक्रम दीन मल्ला था जो फूलन की हिफाजत करने का प्रयास किया और जब फूलन के असमत को बचाने का प्रयास किया विक्रम तो उस समय गुजर में और विक्रम में ठन गई और जब ठन गई तो विक्रम ने गुजर को गोली मार दिया और जब विक्रम ने गोली मारा तो उस समय होता है क्या अरे विक्रम मल्ला था डाकू सरना में गोली से उड़ाया बलकारिया हो बांधी सीरावा पर पगरिया ऐ मेरे समाज के लोगों में आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक अबला गरीब की बेटी कितना संघर्ष असमत के लिए कर सकती है जिसे सरकार ने जेल में डाला जिसे सरकार ने डाकू घोषित किया सिर्फ कारण था कि वो बेटी गरीब की थी पिछड़े समाज की थी लेकिन बिरहा में पहपट का भाव लगा विक्रम मल्ला से जब मुलाकात हुई तो विक्रम अब फूलन को निशानेबाजी चंबल में सिखाने लगा और कहा कि तुम हिम्मत मत हारना किसी भी तरह से हिम्मत बना करके रहो जज्बा बना करके रहो और जो तुम्हारे साथ जुर्म किए हैं अपने जुर्म का बदला लो राइफल चलाना सिखाना शुरू कर दिया विक्रम मल्ला तब बिरहा में पहपट का भाव लिखाया विक्रम से तवने छानावा मनवा घायल बा अरे हुआ प्यार विक्रम से तवने छानावा मनवा घायल बा अलगल सिखावा
जब फूलन हथियार चलाना सीख गई, जज्बा बढ़ा उसका, तो सबसे पहले फूलन ने प्रस्ताव रखा विक्रम दीन से कि अब हमें ससुराल चल करके पुत्तीलाल से अपना हिसाब लेना है। करती है क्या? अरे दलबल से ससुरारी आई, पुत्ती को पकड़ी जाई, मच गई ले तू फनवा फनवा घायल बा। उस समय पुत्तीलाल से हिसाब किताब चुका के और कही कि अब हमें बेहमई की तरफ कुछ करना पड़ेगा, जिन लोगों ने मेरे असमत के साथ खेला। एक महीना लगातार उस बेटी के साथ बेहमई गांव के लोग बलात्कार करते रहे, उसे नंगा पूरे गांव में घुमाते रहे। सिर्फ कसूर उसका था कि गरीब की बेटी थी। और जब वो सारी सीन फूलन के सामने नाची तो पता लगाई कि बेहमई में शादी समारोह है, और उसी शादी समारोह में अपने दल बल के साथ फूलन पहुंचती है। आज जब पहुंचल तो उस समय भयल का आल्हा का लाइन है। समय हो 14 फरवरी 1981 के, 14 फरवरी 1981 में फूलन पहुंची बेहमई गांव में, और बेहमई गांव में जा करके पूरे पंडाल को उन्होंने घेर लिया और कहा कि ए गांव वालों, बुजुर्गों से नौजवानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस गांव में लाला राम और श्री राम, उन दोनों का ठिकान बता दो और उन दोनों को पकड़ करके लाओ, क्योंकि हमें पता चला है शादी समारोह में लाला राम और श्री राम दोनों शामिल हैं। गांव वाले कुछ ना कहला तो भयल का अरे घेरल है पंडाल डाकू, अरे घेरल है पंडाल डाकू, आके तवन छनवा बाबू, असमत के साथ खेला था, उनको चिन्हित किया जिन लोगों ने उसे नंगा पूरे बेहमई में घुमाया था, और वो 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि बताओ लाला राम और श्री राम कहां हैं,
सारे लोग थर 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 कांप रहे, लेकिन फूलन सोच लिया कि अगर आज असमत का बदला नहीं ले पाई तो एक कमीने हमारे गरीब बहन बेटियों को ऐसे ही नोचते रहेंगे। और एक तरफ से कार्बाइन उठाई और धड़धड़ धड़धड़ गोली चलाना शुरू की। 22 लाश को उलाट दिया उन्होंने। मैं नमन करता हूँ नारी सशक्तिकरण में उस वीरंगना फूलन देवी को, और नारियों की असमत के साथ खेलने वाले उन गद्दारों से भी कहता हूँ कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर का है, फूलन बनने पर इस देश की बेटियों को मजबूर मत करो। जिस दिन इस देश की बेटियां फूलन बनना शुरू हो गई उस दिन तुम लोगों का रहतब नहीं रहेगा। करके बिहड़ में चली गई। माता इंदिरा जी ने प्रस्ताव दिया कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तुम आप समर्पण करो। फूलन देवी ने कहा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने मैं समर्पण नहीं करने वाली हूँ, मैं समर्पण करूंगी। आत्मसमर्पण तो मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, कई न्यायिक पुरुष हैं। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को अपने आप को समर्पण करूंगी। ये बदे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हरकत को फूलन जानती थी। लाइन है, अपना हथियार डाल दिया और मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इंदिरा जी ने धन्यवाद दिया कि देश की ऐसी वीरांगनाओं को मैं धन्यवाद करती हूँ। फूलन चली गई जेल में आजीवन कारावास के लिए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतल, समय कवन आई, चुनाव में माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी का गठन किए थे और पुनः वो 1 जनवरी को मुख्यमंत्री, 1 जनवरी 1994 को बन गए। जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फैसला लिया कि अब उस बेटी जो 10 साल जेल में रह गई, अब इससे ज्यादा उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हलफनामा दे करके सारे मुकदमे को वापस लेकर के फूलन को जेल से रिहा करवाए, और रिहा करवा करके मिर्जापुर से उन्होंने पार्लियामेंट लड़ा दिया। और जब पार्लियामेंट लड़ाते हैं मिर्जापुर पार्लियामेंट क्षेत्र से, तो उस समय होता है क्या, मिर्जापुर से जीत गई देखाई चुनौवा बाबू, मिर्जापुर से
शिहर में रही फूलन, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। जेल में रही, सुरक्षित रही मध्य प्रदेश जेल में, लेकिन माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव छुड़ा करके लाए, मिर्जापुर पार्लियामेंट लड़ाए, सांसद बनी और 3 बार के इलेक्शन में 2 बार सांसद बनी फूलन देवी, और दूसरे सांसदी में शेर सिंह राणा नाम का व्यक्ति जो तिहाड़ जेल में बंद था, फर्जी तरीके से उसे छुड़ाया गया और छोड़ने के बाद उन्होंने फूलन को गोली मार दिया। 25 जुलाई 2001 को फूलन ने अपने जीवन की आखिरी सांस लेते हुए समाज को नसीहत दे गई कि ऐ मेरे देश की बेटी बहने और ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, जुर्म से लड़ो, जुर्म सहो मत। आखिरी लाइन है, आज उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत उस वीरांगना को नमन करता है। धन्य हो गरीब की बेटी, आपने बता दिया इस नारी की ताकत को कि नारियों को ज्यादा छेड़ने का प्रयास मत करो। मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ अंतःमन से, हृदय की गहराई से, उस बहन को, उस बेटी को, उस माँ को कि भारत में पिछड़े समाज के लोगों की मर्यादा को आपने सुरक्षित किया और जगाया। नारी की नारीत्व और नारी की ताकत को आपने बताया। आप नहीं हो फूलन, लेकिन भारत सदैव आपको एक नारी सशक्तिकरण की श्रेणी में पूछता रहेगा, मानता रहेगा। क्या है समाज के लोगों में आगाह कर रहा हूँ। ये लाइन मेरी संकेत कर रही है कि इस पाखंड से बाहर नहीं निकले और इनसे आपने दूरी नहीं बनाया तो हर समय आपकी बेटी बहन के साथ इसी तरह से खेलते रहेंगे। इसलिए पाखंड से बाहर निकल जाओ और इनसे अपनी मित्रता करना छोड़ दो। अरे बच के रही है इनसे हूँ नीच शैतान हो, धनवा के साथ पापी लूट लाई मान हो। गुरु बिहारी गुरुपत्तू फूलन का भारी नाम, अरे कविता लिखते राम निवास कभी कह भैले सम्मान हो। अरे ठाना नवा ठलनी मन में सेरनी, ओ ठना नवा ठनली मन में सेरनी, किया तो राजकुमार का तारी किता रनवा, ठना नवा ठनली मन में।
चादर, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।